अंबिकापुर में निर्माणाधीन रिंग रोड की गुणवत्ता जांचने के लिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्कूटी पर निकल गए। उन्होंने 100 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर लंबी बन रही रिंग रोड का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह रुककर लोगों से उनकी दिक्कत और परेशानियां भी मंत्री ने सुनी। बता दें कि रिंग रोड का निर्माण जून 2018 को तय होना था, लेकिन अभी तक ये आधी ही बन सकी है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि चार पहिया वाहन से सड़क की गुणवत्ता का पता नहीं चल सकता। आज मैंने भी इसको स्पष्ट रूप से महसूस किया कि चार चक्के की गाड़ी से हम लोगों ने कई बार देखा, लेकिन उसमें जिस तरह से निकल जाते हैं वो दो चक्के के वाहन से जो देखने को मिलता है, डायरेक्ट नजदीक से जुड़ के, जमीन से जुड़ के देखने को मिलता है, वो चार चक्के से भ्रमण से नहीं मिलता है। तो आज कई चीजें और बारीकी से, नजदीकी से देखने को मिली हैं। जो कमियां हैं, जांच भी हुई है, आगे भी जांच के लिए बोलेंगे कि इसमें जांच भी कर लिया जाए।